A very good morning to all of you. Today we are going to continue our digestive system chapter. So in that we will learn about accessory organ, for example liver. Okay, so in that previous lecture humne salivary glands ke bare mein dekha tha, jo ki saliva secrete karte hain, jo ki ek type ka means accessory ऑर्गन्स हैं. सो हमको पता है कि एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं. ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. मीन्स वो किसी ना किसी केमिकल को सिक्रीट करके, केमिकल का सिक्रीशन करके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो उसमें आपके गॉल ब्लैडर आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, ओके, पैनक्रियाज आता है, लीवर आता है. तो लीवर जो है ये मीन्स इम्पोर्टेंस एसेसरी ऑर्गन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. ओके, सो उसको हम आज डिस्कस करेंगे. सो लीवर जो होता है मीन्स वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि मीन्स हमारे एब्डोमेन की अपर मोस्ट पार्ट के अंदर वो सिचुएटेड है. ओके, जिसको मीन्स जो हमारी कैविटी है डायफ्राम, ओके, वहाँ पर वो मीन्स डायफ्राम के नीचे वो सिचुएटेड है हमारा लीवर. ओके, सो मीन्स जिसका जो नॉर्मल जिसका जो वेट होता है मीन्स 1.5 किलो से 2 किलो का होता है, मीन्स इज एन एवरेज. ओके, वो मीन्स जो भी मीन्स ह्यूमन है उसके वो स्क्वायर मीटर पे डिपेंड होता है कि उसका मीन्स लीवर की साइज कितनी होगी. ओके, तो जो नॉर्मली जो लीवर होता है वो 1.5 kg या फिर 2 kg का होता है. ओके, एवरेज वेट के अंदर. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है मीन्स ये इररेगुलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है. ओके, और जो इसका अपर सरफेस जो होती है इसकी कॉन्वेक्स होती है, जो कि डायफ्राम के अंदर वो डायफ्राम के नीचे मीन्स वो सिचुएटेड होता है. ओके, एंड इट्स अंडर सरफेस इज इरेगुलर, और जिसके अंदर की जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है. लीवर इज मेनली डिवाइडेड इंटू 2 lobes, राइट एंड लेफ्ट. और लीवर को मीन्स 2 lobes के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें होता है उसका राइट लोब्स फर्स्ट और एक लेफ्ट लोब. तो उसको एक मीन्स एक लॉन्गिट्यूडनल फीसर उसको सेपरेट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब. तो क्वाड्रेट लोब दोनों लोब्स को, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब को लीवर के वो सेपरेट करता है. द लीवर इज सब डिवाइडेड इंटू 4 lobes, राइट लोब्स, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट. बट मेनली जो लीवर को मीन्स 4 lobes के अंदर उसको सब डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर उसका राइट लोब आता है. ओके, लेफ्ट लोब आता है, देन फिर उसके बाद क्वाड्रेट लोब आता है. ओके, ये वाला, और उसके बाद दूसरा आता है क्वाड्रेट लोब. तो इस 4 lobe के अंदर उसको लीवर को डिवाइड किया गया है. ओके, देन लीवर इज मेड अप ऑफ लोब्यूल्स विच आर पॉलीहेड्रल इन शेप. तो लीवर मीन्स एक लोब्यूल से मिलकर बना होता है, जो कि पॉलीहेड्रल होते हैं शेप के अंदर. इच लोब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ क्यूबिकल सेल अरेंज रेडियली एंड द वेसल्स ऑफ द लीवर आर कनेक्टेड बाय द लीवर सेल्स. तो जो ईच लोब जो होता है मीन्स हर एक लोब जो होता है, ओके, लीवर का, वो मीन्स एक क्यूबिकल सेल से मिलकर बना होता है. ओके, जो कि रेडियली अरेंज होते हैं. ओके, और जो वेसल्स होती है उसकी लीवर की, वो लीवर सेल से मीन्स वो कनेक्टेड होती है. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ विच कंटेन मेनी इंजाइम्स. ओके, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. मासेस ऑफ सच सेल्स विच फॉर्म हेपेटिक लोब्यूल्स आर 1 mm इन डायमीटर. और जो भी मीन्स लीवर सेल की जो मासेस होते हैं वो एक हेपेटिक लोब्यूल्स को, जो सेल्स होते हैं वो हेपेटिक लोब्यूल्स को फॉर्म करते हैं, जो कि उनके जो डायमीटर होता है वो 1 mm का होता है डायमीटर के अंदर, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय कनेक्टिव टिश्यू. तो ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और ये एक दूसरे से मीन्स कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये जुड़े होते हैं.
branches of portal vein, hepatic artery and bile duct are enclosed in a tissue. और मींस जो ब्रांचेस होती है लीवर के अंदर पोर्टल वेन्स की और हेपेटिक आर्टरी की और बाइल डक्ट की, ये जो जो टिश्यूज होते हैं उसके हेपेटिक ओके वो उनसे वो कनेक्ट होती है उनके मींस एकदम नज़दीक होती है उनसे इनक्लोज्ड होती है इनक्लोज्ड इन द टिश्यू कवरिंग कॉल्ड ग्लिंसन्स कैप्सूल. और वो जो टिश्यू मींस कवरिंग करते जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल ओके विच फॉर्म पोर्टल कैनल, जो कि एक पोर्टल कैनल को फॉर्म करते हैं. द पोर्टल कैनल्स आर प्रेजेंट सराउंडिंग लोब्यूल्स. तो जो पोर्टल कैनल होती है वो जो लोब्यूल्स होते हैं ओके लीवर के उसमें उसके आजू बाजू वो फैली होती है उसके सराउंडिंग में वो प्रेजेंट होती है. द ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लीवर सेल. तो ब्लड जो ब्लड होता है वो पोर्टल वेन से पोर्टल वेन में से आकर वो डायरेक्टली लीवर सेल के अंदर लीवर सेल के कॉन्टैक्ट में आता है ओके. द स्मॉल कैपिलरीज कलेक्ट द ब्लड एंड यूनिट टू फॉर्म वेन इन द सेंटर ऑफ द लोब्यूल्स कॉल्ड इंट्रा लोबुलर वेन. तो लीवर में जो स्मॉल कैपिलरीज होती है वो ब्लड को कलेक्ट करती है और वो वे देन वो लोब्यूल के सेंटर तक उसको पहुँचाते जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा लोबुलर वेन. They pour their contents into another vein called sublobular vein, which unit the hepatic vein passing directly into the inferior vena cava. Then फिर वो जो भी means blood होता है वो sublobular vein से होते हुए directly वो hepatic vein जो होती है उसको pass करते directly inferior vena cava में okay. Then फिर the bile is formed by hepatic cells and secreted into fine bile capillaries which commence between liver cell lying between two cell and carried to the periphery of the hepatic lobules to the intralobular bile ducts. Then फिर जो hepatic cells होते हैं वो bile को secrete करते हैं okay छोटी छोटी bile capillaries के अंदर okay. Then फिर bile capillaries are separated from blood capillaries. बट जो बाइल कैपिलरीज होती है वो ब्लड कैपिलरीज से सेपरेट होती है अलग होती है एंड हैंस बाइल एंड ब्लड नेवर मिक्स. तो जो बाइल होता है हमारा वो ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता. इंट्रालोबुलर बाइल डक्ट्स यूनिट टू फॉर्म हेपेटिक डक्ट. तो इंट्रालोबुलर जो बाइल्स होती है वो एक हेपेटिक डक्ट्स को फॉर्म करती है जिसके अंदर लार्ज बाइल डक्ट्स होते हैं वो जिसके जो कि जिसमें कोलमनार एपिथेलियम की एंड आउटर फाइब्रस मसल की लाइनिंग होती है बाइल डक्ट के अंदर. बाय मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर लेयर बाइल इज कैरिड अवे इज टेम्परली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. तो जब भी मीन्स जो मस्कुलर लेयर होती है बाइल की वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ओके तो वो कैरी होता है देन फिर जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा ओके वो उसको टेम्परली स्टोर करके रखता है बाइल को. देन नेक्स्ट आता है फिर फिजियोलॉजी ऑफ लीवर. सो फिजियोलॉजी ऑफ लीवर के अंदर मीन्स उसका मेन फंक्शन आता है जो कि बाइल को सिक्रीशन करने का काम करता है. मीन्स उसका एक ग्लूकोजेनिक फंक्शन होता है यूरिया को फॉर्मेशन करता है डिसैचुरेशन करता है फैट्स का. देन फिर ब्लड रिलेटेड बहुत से फंक्शंस होते हैं उसके ओके जैसे कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय वगैरह करता है ओके. देन फिर हमारे बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन्स करता है और टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रीट करता है ओके. सो फिजियोलॉजी ऑफ लीवर में सबसे पहले जो आता है सिक्रीशन ऑफ बाइल. तो जो हेपेटिक सेल्स होते हैं हमारे वो एक अल्कलीन फ्लूड को सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाइल. सो जिसके अंदर 90% वाटर होता है और बाकी का जो उसका 10% हिस्सा जो होता है वो उसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है जिसको हम सोडियम ग्लाइकोचुलेट और सोडियम टोरोकोलेट ओके बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन बिलिविरिडिन कोलेस्ट्रॉल एंड म्यूसिन वगैरह ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. बाइल साल्ट्स आर हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट. तो जो बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो फैट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन में उसको हेल्प करते हैं. दे रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ द फैट एंड हेल्प इन देयर इमल्सिफिकेशन
वो कैसे कि वो ये मींस फैट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि जो उसका फैट का जो सरफेस टेंशन होता है उसको उसको रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो फैट्स है वो इमल्सिफिकेशन होता है ओके, और इजीली वो हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो पाता है। देन उसका अनदर फंक्शन ये भी है बाइल का कि जो आरबीसी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर ओके, जिसको हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसी का। देन फिर जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी का उसको ब्रोक करता है, ब्रोक करता है इसको ग्लोबिन के अंदर और हीम के अंदर दोनों को सेपरेट कर देता है। सो हीम जो हीम होता है उसके अंदर वो जो हीम होता है वो अगेन ब्रोक डाउन होता है वो आयरन के अंदर और पोरफिरिन के अंदर, जो कि बाद में वो मींस बाइल पिगमेंट फॉर्म करता है। देन नेक्स्ट होता है उसका ग्लूकोजेनिक फंक्शंस होता है लीवर का, जो कि मींस हमारी बॉडी के अंदर मींस ब्लड के अंदर वो शुगर लेवल को मेंटेन करके भी रखता है ओके। तो जो पोर्टल वेन्स होती है वो ब्लड को कैरीज करती है ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक से जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है ओके। देन फिर वो ब्लड को लीवर के अंदर पोर करती है। देन फिर जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो उसका मींस बहुत सारे इसके एंजाइम होते हैं उसके एक्शन के थ्रू वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के अंदर कन्वर्ट करते हैं ओके। देन फिर जो जो ग्लाइकोजन होता है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। देन आफ्टर देर इज अ नीड ऑफ एनर्जी टू बॉडी हेपेटिक सेल कन्वर्ट ग्लूकोजन टू द ग्लूकोज। देन हमारी बॉडी को किसी तरह की एनर्जी की या फिर पावर की जरूरत होती है, तो जो हेपेटिक सेल जो होते हैं वो ग्लाइकोजेन्स को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन फिर वो पास होके हमारी बॉडी सेल्स के पास जाता है। देन फिर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और हमारे बॉडी टिश्यू तक के वो पहुंच जाता है ओके। देन फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। देन फिर वो फंक्शंस कर पाते हैं ओके। देन फिर जो ग्लाइकोजेनिक फंक्शंस होता है मींस ग्लाइकोजेन क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर मींस ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल बढ़ जाती है उसको वो कांस्टेंट रखने का काम करता है, उसको वो मेंटेन करने का काम करता है। देन नेक्स्ट फिजियोलॉजी आती है लीवर की, जिसके अंदर वो यूरिया का फॉर्मेशन करता है। जो पोर्टल वेन होती है ओके लीवर के अंदर वो ब्लड को कैरी करती है, जिसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं ओके लीवर के पास ओके। देन फिर जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो उसके एक्शन के थ्रू मींस वो डीअमाइनेशन करते हैं अमाइनो एसिड का, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अमाइन ग्रुप है वो एक फ्री सेट होता है, जिसकी वजह से वो यूरिया फॉर्म करता है। देन फिर जो यूरिया है वो डायरेक्टली कैरियर होता है हमारी किडनी के पास, देन फिर ब्लड के थ्रू, देन फिर किडनी उसको हमारी बॉडी से उसको एक्सक्रीट करती है थ्रू द यूरिन ओके। देन नेक्स्ट आता है डीसैचुरेशन ऑफ द फैट्स। तो डाइजेस्टेड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड इन द सेंट्रल लैक्टियल डक्ट। तो जो डाइजेस्टेड फैट जो होता है ओके, जो कि फैटी एसिड के फॉर्म में होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ग्लिसरॉल देन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये जो हमारी सेंट्रल लैक्टियल डक्ट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बट जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अगेन यूनिट फॉर्म, जो फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होते हैं ये अगेन में एक फॉर्म फैट के फॉर्म में बन जाते हैं। देन फिर जो फैट होता है ये हमारे कैरियर होता है ब्लड के थ्रू और डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, और ये एक टिश्यूज के अंदर में से एक सैचुरेटेड फॉर्म के अंदर ये स्टोर होता है। देन फिर हमको किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो सैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारे टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है, तो जो फैट डायरेक्टली मींस लीवर के पास कैरीड होता है ब्लड के थ्रू। देन जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो डीसैचुरेशन करते हैं फैट का, और जो फैट्स होता है वो अगेन डिफरेंट टिश्यूज के पास मींस वो डिफरेंट उनके पास वो जाता है, उनके पास पास होता है ओके। देन फिर जो टिश्यू होते हैं उसका यूटिलाइजेशन करते हैं एज अ एनर्जी ओके वर्किंग के लिए। देन नेक्स्ट होता है उसका लीवर का फंक्शंस, जो कि ब्लड रिलेटेड उसके फंक्शंस है, जिसमें वो फॉर्मेशन करता है आरबीसीज का फ्यूटल लाइफ के अंदर, जो मींस जो
फ्यूटल बेबीज जो होती है, मीन्स इन द वोम के अंदर जो होते हैं, उसके अंदर जो आरबीसी जो बनते हैं वो लीवर के अंदर बनते हैं. ओके देन फिर जो डिस्ट्रक्शन करता है ये आरबीसी का, ओके, और बाइल पिगमेंट का ये फॉर्मेशन करता है और आयरन का. ओके देन प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसके अंदर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन आते हैं आपके. देन फिर ये एंटीकोगुलेंट जो फैक्टर होते हैं, ओके, मींस क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उसका ये फॉर्मेशन करता है, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके देन फिर ये हिपेरिन का फॉर्मेशन करता है जो कि हमारी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ये. देन फिर जो ये आयरन को और विटामिन B12 को भी स्टोर करने का काम करता है. देन फिर नेक्स्ट आता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का भी काम करता है. तो जो हमारे लिवर्स होता है उसके अंदर बहुत सी मतलब केमिकल रिएक्शन होती रहती है कंटिन्यूस के अंदर. ओके सो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हीट जनरेट करता है, ओके, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. देन नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, मीन्स वो कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस का हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट करता है. सो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं एलिमेंट्री कैनल के थ्रू. ओके तो जो लीवर क्या करता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. ओके जैसे कि अल्कोहल होते हैं और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, ओके, तो लीवर उसको डिस्ट्रॉय करता है. ओके और ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस को वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है. ओके तो लीवर क्या होता है, मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल है जिसके अंदर मीन्स बहुत सारे मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है लीवर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लीवर को जो कि केमिकल फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर. ओके जिसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए. ओके सो बहुत से ड्रग्स होते हैं जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर भी होता है. ओके सो नेक्स्ट आता है फिर मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस. ओके तो जब न्यूट्रिशन मटेरियल, ओके जब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल मटेरियल्स विच आर एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू द सेल ऑफ द बॉडी. सो जो न्यूट्रिशन मटेरियल्स होते हैं, ओके, वो डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद और जो हमारी सेल्स जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करती है उसके एंड में वो एक एनर्जी को रिलीज करते हैं, ओके, जो कि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है वर्किंग करने के लिए. सो ऑल सच केमिकल चेंजेस नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी टर्न एज अ मेटाबॉलिक चेंजेस. सो ये सब केमिकल चेंजेस है ये हमारी बॉडी को मीन्स फुलफिलमेंट फंक्शंस करने के लिए, उसको फुली फंक्शंस करने के लिए नेसेसरी होती है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस. सो दे आर सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. तो ये हमारी बॉडी को एक ऐसा सोर्स है जो कि हमारी बॉडी को एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके, एनर्जी उसको देता है, जिसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं हमारी बॉडी का. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट पर डे इज डिस्क्राइब्ड एज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट. सो जो मिनिमम मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को पर डे हर दिन के अंदर, उसको हम BMR से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट से. ओके तो दिस इज द रेट एट विच सम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल इज अ रेस्ट एंड हैज ईटन नो फूड फॉर 12 आवर्स द नॉर्मल BMR वैल्यूज आर. तो ये जो रेट होता है मीन्स जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि हर कोई जो इंसान होता है वो रेस्ट करता है या फिर वो कुछ खाना खाता है या फिर वो नहीं खाता है, ओके, 12 आवर के अंदर. तो जो नॉर्मल तो जो भी एनर्जी हमको पर डे लगती है वो हम उसको एज अ बेसल मेटाबॉलिक रेट से हम उसको इंडिकेट करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं. सो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है जिसको हम यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं KG किलो जूल्स या फिर मीटर स्क्वायर या फिर पर आवर. सो मेंस के अंदर जो नॉर्मल रेंज है, ओके, एनर्जी की मीन्स जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट की, तो वो
170 किलो जूल्स या फिर पर मीटर स्क्वायर पर आवर इतना उसकी पर डे वो इतना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटीज़ के लिए ओके okay. और वुमेन के अंदर 155 किलो जूल्स पर मीटर स्क्वायर पर और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको रिक्वायर्ड होता है वुमेन्स को ओके okay. सो ये था हमारा सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम सो यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हुआ ओके okay.